हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक अमरेंद्र। तो मैं विशाल झा आज आपको 7 हैबिट जो एक अफिलिएट मार्केटर्स यूज करते हैं हाईली इफेक्टिव अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए, उन हैबिट्स को आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं कि जो अफिलिएट मार्केटर्स जो अपनी 7 हैबिट्स उनकी होती है एक हाईली इफेक्टिव कन्वर्जन गेन करने के लिए, वो क्या क्या होती है तो वो देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला है नंबर 1, दे क्रिएट प्लान्स। कभी भी जब भी वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो उनका जो मेन पर्पस होता है कि वो किस तरह से अपने प्लान को क्रिएट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से प्रॉफिट कमा सके, और वो फिजूल में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वो हमेशा 3 साल आगे की सोच के वो अपने प्लान को उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट करते हैं ताकि वो हमेशा मार्केट में बने रहे, जिससे कि उनकी ब्रांड की वैल्यू बनी रहे। तो ये हमारा नंबर 1 था जिसमें वो ऑलवेज अपने आप को प्लान्स, जो भी अपने बैकअप प्लान्स हो गए या फिर नए नए प्लान्स को क्रिएट करते हैं, जिससे कि उनके अंदर जो यूनिकनेस या फिर जो क्रिएटिविटी निखर के आती है। तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे कि जो एक अफिलिएट मार्केटर होता है, जो उसकी सबसे पहली हैबिट में यही दिखता है कि वो प्लान्स करना जानते हैं, कि वो आगे की सोच के चलते हैं कि अगर मैंने आज ये किया तो मुझे आगे आने वाले सालों में उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, या फिर अगर मैं ये करता हूँ तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा नेगेटिव पड़ेगा। तो इस तरह से वो आगे का जब प्लान करके चलते हैं ना, तो उनके लिए बहुत इजी टारगेट हो जाता है, बहुत इजीली वो जो उनका गोल होता है फ्यूचर में वो उसको अचीव कर पाते हैं। सो ये हमारा नंबर 1 था। सेकंड हैबिट देखते हैं। सेकंड हैबिट है बी प्रोएक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटर्स अपनाते हैं कि वो हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोएक्टिव रहते हो तो उसमें आपके जो पॉजिटिव रिजल्ट आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट? तो ये चीज़ आपको समझना है कि जो एक सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटर यूज़ करता है कि वो हमेशा प्रोएक्टिव रहने की कोशिश करता है। प्रोएक्टिव इन द सेंस जो कोई भी काम करता है तो वह हमेशा एक्टिवली करता है, हमेशा उसका जो फोकस रहता है वो उसी काम पे रहता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमें अपने जो नीश है उस पर फोकस रहना है, ना कि हम कहीं और हमें ध्यान नहीं देना है। हमें एक्टिवली किसी भी काम को जब हम करते हैं तो जब उसमें हम हमारा 100% फोकस होता है, देन उस काम के जो सक्सेसफुल होने के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत बढ़ जाते हैं, हाईली उस बढ़ जाते हैं। तो उसी तरीके से ये भी पॉइंट है कि वो प्रोएक्टिव रखते हैं अपने आप को, हर एक काम में वो प्रोएक्टिव रहेंगे तो जो उस काम के सक्सेसफुली होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आगे देखते हैं, नंबर 3 हैबिट जो है सक्सेसफुल लोग जो अपनाते हैं वो है कंसिस्टेंसी इज द किंग। तो वो जो अपनी काम में हमेशा कंसिस्टेंसी को ज़्यादा ऊपर रखते हैं, जिसकी वजह से जो भी वो काम करते हैं उसमें अगर वो कंसिस्टेंटली करते हैं तो उससे उनके जो फ्यूचर में जो भी वो गोल रखते हैं उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी उतने ही बढ़ते हैं। तो आपको जो भी आप काम करोगे, जब भी आप अफिलिएट मार्केटिंग फील्ड में आओगे या जब भी अफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो उसमें आपको कंसिस्टेंसी को ज़्यादा रखना है,
जिसकी वजह से आपको उस काम में ज्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जो भी काम अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली एकदम उसको फोकस के साथ करोगे तो वो आपकी एक सफलता की चाबी होती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, कंसिस्टेंसी इज द की। तो उसी तरीके से हमें समझना है कि हमें किसी भी काम को, जो भी हम काम करते हैं, उसमें हमें कंसिस्टेंसी को प्राइमरी में रखना है, जिससे कि उस काम को हम और ढंग से कर पाए और वो हमारे सफल होने के चांसेस को और भी बढ़ाए। तो ये था हमारा नंबर थर्ड। नंबर फोर्थ हैबिट को देखते हैं, वो है नेवर रिलाय ऑन वन ट्रैफिक सोर्स। जो सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटर्स यूज करते हैं, जो उनकी हैबिट्स में आता है, वो ये है कि वो कभी भी एक ट्रैफिक पर रिलाय नहीं होते। वो अपने अलग अलग मल्टीपल ट्रैफिक सोर्सेस बना के रखते हैं, जिससे कि उनको किसी भी एक ट्रैफिक पर रिलाय नहीं होना पड़ता। लाइक वो कई सोशल मीडिया पर अपने ट्रैफिक सोर्स क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि यूट्यूब। तो जब सोशल मीडियाज पर वो करते हैं तो इससे क्या होता है, नंबर वन कि वो किसी वन ट्रैफिक सोर्स पर रिलाय नहीं होंगे, और इससे क्या होगा, उनके काम में और निखार आएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं वो कहीं अटकेंगे नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें कभी कभी होता है कि हम थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एक जगह अटक के रह जाते हैं। तो इसीलिए सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटर ये करते हैं कि वो अपने अलग अलग मल्टीपल सोर्सेस ऑफ ट्रैफिक क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको कभी भी किसी एक ट्रैफिक पर रिलाय नहीं होना पड़ता है। और ये उनकी सफलता की एक तरह से की कह सकते हैं हम, कि इसीलिए वो लोग सफल हुए हैं, राइट। तो अगला हैबिट देखते हैं जो सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटर यूज करते हैं, वो है कि वो विन विन थिंकिंग में बिलीव रखते हैं, कि हमेशा वो जो भी काम करते हैं, वो जिस काम को भी करते हैं, तो उसमें हमेशा उनकी जो थिंकिंग अगर आप देखोगे तो वो विन विन होती है। कभी भी वो अपने आप को ऐसा महसूस नहीं होने देते हैं कि वो कहीं भी ऐसा सोच रहे हो कि वो अरे यार हम तो हार भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो काम में वो इतना एफर्ट डाल देते हैं कि सामने वाले को भी लगता है कि कितना एफर्टलेसली इसने काम किया है। तो समझ रहे हो कि आपको अपनी जो थिंकिंग है उसको विन विन के तरह रखना है, जिसकी वजह से आप भी उन सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटर्स की कैटेगरी में शामिल हो जाओ। तो ये एक तरह से बहुत बढ़िया पॉइंट है कि आपको अपने थिंकिंग में थोड़ा चेंज लाना है। अगर आपकी थिंकिंग थोड़ी नेगेटिव टाइप है तो आपको उसको पॉजिटिव में लाने की कोशिश करो, जिसकी वजह से सफलता मिले, राइट। तो नेक्स्ट अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ऑलवेज कीप ईमेल लिस्ट। जो सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटर बहुत इम्पोर्टेंटली करते हैं वो ये है कि हमेशा अपने पास ईमेल लिस्ट रखते हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा जो डाटा होता है वो कभी उनके पास से खोता नहीं है। और ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो हम लोगों को अपनानी चाहिए, कि हमें हमेशा अपने ईमेल लिस्ट रखनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं ईमेल लिस्ट के, वो कहीं हो ना जाए, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो ईमेल लिस्ट होती है वो अपने पास रखनी है, जिसकी वजह से आपको कोई उसका नुकसान ना हो, राइट। तो ये था हमारा सिक्स्थ हैबिट जो सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटर यूज करते हैं। सो हमारा लास्ट जो हैबिट है वो देखते हैं, उसमें हम वो जो सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटर है ना, वो बताओ क्या करते हैं,
अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, राइट? वो हमेशा उनका जो माइंडसेट होता है ना, वो कुछ ना कुछ लर्निंग वाला होता है। तो हमें भी अपने माइंडसेट को कुछ इस तरह से बनाना है कि हम भी हमेशा अपने लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ताकि हमें हमेशा कुछ नया सीखने की जो उम्मीद है, कुछ नया सीखने को मिले, राइट? तो आपको भी ये समझना है कि मैं किस तरह से अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को इम्प्रूव कर सकूं, और ताकि उसका जो मेरे काम पर उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़े, राइट? मैं आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इस पर फोकस देते हुए कहूँगा कि आपको इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।